दोस्तों, इस टाइम हम जो है मुजफ्फराबाद में हैं, जो कि कश्मीर के अंदर है। हम आए हैं, पहुँचे हैं तकरीबन 10:30 बजे। अब होटल देखना है हम लोगों ने, क्योंकि रात में हम लोगों ने यहाँ स्टे करना है और फिर सुबह का यहाँ टूर है। और अभी जो है हम एक होटल में हैं, अलायान रूम देखने लगे हैं। पानी गर्म आ रहा था। स्पीड कैसी है? अभी एक होटल में रूम देख लिया, अभी जाके थोड़ा प्राइस की डीलिंग चलेगी, फिर उसके बाद मैं अच्छा रहा तो शिफ्ट हो जाऊंगा। ये रही वहाँ पे गाड़ी में बैठा हुआ है और रूम की जो है बात हो गई है। लारा इधर करके लगा है, इधर हाँ। तो होटल का जो है हो गया, बात हो गई, पेमेंट वेमेंट हो गई है। अभी बस हम आएंगे और की लेंगे और जाके पर सो जाएंगे। उससे पहले खाना खाना है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है और जैकेटें पहनी हुई हैं। जा रहे हैं होटल की तरफ वॉक करके। सामने देखें, हिल है, पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर लोग वहाँ पर रह रहे हैं। होटल जो है उधर आगे की तरफ है। ऐसी स्मोक निकल रही है मुंह से, स्मोक निकल रही है। देखें पसीना आ रहा है, गर्मी हो रही है। हाँ नहीं नहीं गर्मी है। चिकन कढ़ाई होगी, चिकन कढ़ाई लगी रही। इस टाइम होटल पे कश्मीरी होटल पे मुजफ्फराबाद में और खाना आने वाला है। जैसे कि मैं टाइम ब्लॉग पर होता है तो खाना आने वाला है ऑर्डर हो गया, तो यहाँ पे भी खाने का ऑर्डर हो गया। और ठंड जो है यहाँ पे स्मोक नहीं दिख रही, मैं बाहर ठंड अच्छी खासी ठंड हो रही है यहाँ पे और मेरे हाथ जो है वो फ्रीज हो गए, मुझे फील हो रहा है। थोड़ा और मैं बाहर रहूँगा तो फिर मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हो जाए। तो खाना खा के सीधा रूम में जाना है और सो जाना। फिर हमारा जो है रायता सलाद आ गया, जिसमें से आधे से आधा हम लोगों ने खा लिया। और रायता बहुत ही ज़बरदस्त है, तीखा है, मज़ा आ गया। अभी बस खाने का इंतज़ार हो रहा है। दुकानें तकरीबन सारी बंद हो गई हैं यहाँ पे। ये हमारी कढ़ाई आ गई है, रोटियां आने वाली हैं। कढ़ाई में से क्या धुआं निकल रहा है, ये बताती है कि यहाँ पे ज़्यादा ठंड है। हमारी रोटियां भी आ गई हैं। अच्छी है, अच्छी है। ये हमारा आते भाई टेस्ट करने लगे हैं अभी कश्मीर की कढ़ाई। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी जो है हमारा खाना पीना हो गया और अब चाय के इंतजार में बैठे हैं। ठंड इतनी ज़बरदस्त है कि चाय पीने का मज़ा आ जाएगा। तो रोटी थी, साथ में चिकन कढ़ाई थी। वो चाचा जी जो है हमारी चाय बना रहे थे। ये मेरी चाय तो आ गई है, टेबल पे बहुत कुछ लिखा हुआ है तो इग्नोर करें। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, चाय पीने का मज़ा तो अभी आएगा, देखें मज़ा है। हम चाय पीते हैं। मैं अपनी जान पहचान बना रहा हूँ। जान पहचान बना रहा है।
तो ये जो है मुजफ्फराबाद का इलाका है, वो ऊपर लगता है कोई शादी हॉल है क्या वो ऊपर? होटल है। तो ये जो है तारे नहीं है, ये घर है। सारे नीचे की तरफ नहर है और ऊपर ये सारे घर है। वो रहा हमारा होटल आगे की तरफ। बच्चे आ रहे हैं होटल की तरफ, गाड़ी उधर खड़ी कर दी है। ठंड है। मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ पूछने के लिए कि हीटर किधर है और वाईफाई का पासवर्ड, जो कि बहुत ज़रूरी है, वीडियोज़ अपलोड करनी है। तो रूम में वापस आ गया हूँ। इस रूम में हीटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, साथ में वाईफाई भी नहीं चल रहा, तो बस अभी सोने लगे हैं। सुबह उठेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है और ठंड घर ठंड वंडी हो रही है, तो ए सी पहन लिया है बस। सर पे थोड़ी ठंडी हवा लग रही थी, ठंड वंडी हो रही वैसे। हाँ तो भाई कमरे में नाश्ता हो गया, बैग में से कपड़े वपड़े निकाल के चेंज कर लिए हैं। जेरी अभी क्रीम लगा रहा है हाथ पे, मोबाइल वोबाइल चार्ज है। चले आए थोड़ी खिड़की की तरफ, देखते हैं बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। ओए होए होए, ये क्या सीन है यार, ये क्या है, ये बारिश हो रही है? हाँ तो इसका मतलब बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। नहीं बाहर कोई ठंड नहीं हो रही है, नॉर्मल मौसम है, बारिश भी नहीं हुई है। मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा। रात को जो नाक ठंडी हुई है, होए होए मजा आ गया। अभी कपड़े वपड़े चेंज करके निकल रहे हैं नीचे की तरफ, होटल से बाहर निकल रहे हैं और आज के दिन का टूर स्टार्ट होने वाला है। भी रेडी हो गया क्या चीज़ है, तो रेडी हो गए, टोपी वोपी जैकेट वैकेट सब कुछ पहन लिया है। अभी जा रहे हैं होटल से बाहर की तरफ और मज़ा आने वाला है, ठंड अच्छी खासी हो रही है। अभी बस इस मार्केट में आया जिधर हम लोगों ने कल खाना खाया था, यहाँ से एक सिम लेनी है क्योंकि इधर से ऊपर के इलाके में सिग्नल नहीं आएंगे, तो यहाँ के जो लोकल सिम है वो उसी के सिग्नल ऊपर आएंगे, तो बस वही लेने के लिए आया है। मौसम चेक करें कितना ज़बरदस्त हो रहा है। सुबह का टाइम हो रहा है, तकरीबन 10 बज रहे हैं, मौसम एकदम ठंडा हो रहा है, मज़ा आ रहा है। ये इस पर शायद दो उंगली वाला चौक है, उंगलियों को भी ठंड लग रही है, इतने उस पर कवर किया हुआ है। उधर है